अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। आज मुद्दे में हम बात करेंगे क्वारंटाइन सेंटर्स के। मैं हूं रवि शर्मा। क्वारंटाइन सेंटर कल्पना में वह स्थान जो कोरोना के संदिग्धों के लिए अनुकूल हो, ऐसा माहौल जहां रहकर हर कोई ठीक होना चाहे, वह सुविधा जिसे पाकर जीने की प्रबल इच्छा जागृत हो और जल्द ही कोरोना संदिग्ध के दायरे से वह बाहर आ जाए। जैसा शुरू में ही कहा, कल्पना, और कल्पना जरूरी नहीं कि हर बार सच हो। मेरठ के क्वारंटाइन सेंटरों का सच मरीजों को दी जाने वाली कुनैन की गोली से भी ज़्यादा कड़वा और भयावह है। बराबर शिकायतें आ रही हैं कि जहां भेजा गया जाने वाला शख्स तो दहशत और तिरस्कार की भावना से ही आत्मग्लानी से भर जाएगा और मनोबल टूटा तो गया संदिग्ध भी कोरोना के खाते में। विगत दिवस प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने मेरठ के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात के संकेत दिए कि सक्षम लोग घर पर ही क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। वीसी में यह भी बताया गया कि जल्द ही इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए जा रहे हैं। इस आदेश के बाद संदिग्ध सरकारी लेक्चर व्यवस्था अथवा महंगे होटल के किराए से खुद को बचा सकेंगे। बहरहाल अभी तक तो क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने बिना धरातल पर जांच परखे क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, ठीक ऐसे ही जैसे चुनाव के दौरान मतदान स्थल बनाए जाते हैं। वहां टीम एक दिन ही रुकती है, लेकिन यहां लोगों को कम से कम 14 दिन तक रखना होगा। सवाल उठता है कैसे, वह भी तब जबकि वहां गंदगी, पेयजल संकट, मच्छरों का आतंक, भारी अव्यवस्था, सुरक्षा का भारी अभाव और इन सब पर भारी सांपों का निकलना। बीते दिवस ऐसे कई वीडियो इन सेंटर्स पर भेजे गए लोगों ने वायरल किए हैं। जरा भी है जान सुने रहा पूरी जान है। हाँ, इस पर रख लो। बच्चे को हमारे कमारे में तो पीछे छत के धर दिखा दो ना। अरे नहीं रहेगा, चलो चलो लेके चलो। पुलिस वाले क्या है यहाँ पे इस वक्त? अरे पुलिस वाले नहीं होंगे यहाँ। बना दी। ये यहाँ पे निकला अंदर कमरे में। कौन सा नंबर है? 16। 16 नंबर कमरे में। डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में। हाँ डॉक्टर, जनाब भैया डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में। चलो। हेलो, मेरा नाम बद्री विशाल सोनी है और हमें क्वारंटीन सेंटर लाया गया मेरठ में NIC कॉलेज लाल कुर्ती। और मैं यहाँ को आपकी कंडीशन दिखाता हूँ आपको यहाँ की। तो ये है रूम, 12 जनों के लिए ये एक रूम है, 12 बंदों के लिए। और मैं आप वॉशरूम और पानी, पीने पानी की व्यवस्था दिखाता हूँ। ये है पीने के पानी की व्यवस्था, वो है टंकी पीने के पानी की। और कम से कम भी 40 से 50 लोगों के लिए ये 4 बाथरूम है। कहते हैं कि खुद सफाई करो, हमें नहीं पता। ये 4 बाथरूम है और ये पानी पीने के लिए, नहाने के लिए ये वाली जगह है। बताओ यहाँ कौन आ सकता है यहाँ पर? उसके अलावा हमारे यहाँ पर 12 जने हैं और यहाँ पर हमारी वाली फैमिली से और बाकी जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन सबकी यही कंप्लेन है कि इतने मक्खी मच्छर वगैरह, इतनी गंदगी है यहाँ पे। बाकी का एनवायरनमेंट भी आपको दिखाता हूँ मैं। यू वेट फॉर अ सेकंड। कहते हैं कि टॉयलेट्स भी खुद धोने पड़ेंगे अपने। और हम, वी हैव अ 6 मंथ चाइल्ड, हमारे पास सिर्फ 6 महीने की एक बच्ची है। और हमारा घर कोरोना पॉजिटिव बंदों से अगली गली में, नेक्स्ट गली में, जस्ट फॉर अ सस्पेक्टेड केस हमें यहाँ पर उठाया गया है। एक 6 महीने की बच्ची है हमारे पास सिर्फ, देख, सिर्फ ये 6 महीने की बच्ची है। और इसको लिए भी ये कंडीशंस दी गई हैं। कमरे में इतनी घुटन है बहुत ज़्यादा और ये हाल है। डॉक्टर का नंबर कहाँ है? वी आर इन NIC कॉलेज लाल कुर्ती। और प्लीज़ आप लोग इसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू। इन सेंटरों के हालात कितने बदतर हैं यह तो आपने देख ही लिया। बीते दिवस प्रतापपुर सेंटर पर रात 1 बजे तक लाइट नहीं थी, चारों तरफ गुप अंधेरा रहा। कई शिकायतें हुई तब जाकर 1 बजे लाइट के दर्शन हो पाए।
इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।